जाते हो साडे कोलो चोरी चोरी यमुना ते जाते हो यमुना ते जाते हो ते सखियां बुलांदे हो यमुना ते जाते हो ते सखियां बुलांदे हो सखियां बुलांदे हो ते नैन लड़ांदे हो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਲੜਾ ਕੇ ਵਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਣਦੇ
तो देखो ऐसा भी कहती हैं ब्रजांगनाएं जो हमारे श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं, हे श्याम सुंदर, हे सांवरिया सरकार, यदि आप नंदगांव के रहने वाले हो, ब्रजवासी हो, तो पंजाब में रहने वाली ब्रजांगना भी सांवरिया सरकार से कम नहीं है। अरे तुम कोई ज़्यादा मलूक नहीं हो, जितने तुम बन रहे हो तुमसे कम हम भी नहीं हैं, क्योंकि हम भी तुम्हारी ही सखियां हैं, हम तुमसे अलग नहीं है। तो भगवान से जब तुम्हारा संबंध होता है, संपर्क होता है, तो आप भगवान से कुछ भी कहोगे भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि एक प्रिया और प्रीतम पति और पत्नी एक ही जैसा रिश्ता होता है, दोनों समान होते। कभी पति ने पत्नी से कुछ कहा उसने सुना, कभी पत्नी ने पति से कहा उसने सुना, तो इसी तरह से भक्त और भगवान का भी संबंध होता है। भक्त यदि भगवान से कुछ कहे तो भगवान स्वीकार करते, सहर्ष स्वीकार करते हैं और आनंदित होते। तो देखो आप सब लोग जानते हैं, अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, इंद्र जो है उद्दंड हो गया है, और इंद्र ने ब्रजवासियों से भगवान की बजाय अपनी पूजा करानी प्रारंभ कर दी है। हजारों वर्षों से इंद्र पूज रहा है, लेकिन इंद्र पूजे इसमें भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंद्र को अहंकार हो गया है कि सारी दुनिया का देवता, सारी दुनिया का भगवान, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। तो जब इस तरह का अहंकार हो गया तो भगवान ने सोचा कि अब इंद्र का अहंकार तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्रज भूमि में रह करके इंद्र ऐसा अहंकार करे तो ये अच्छी बात नहीं है। इंद्र भी भगवान की व्यवस्था में बहुत बड़ी व्यवस्था देखने वाला व्यवस्थापक है, भाई स्वर्ग का संपूर्ण कार्य इंद्र के ही अंदर में स्वर्ग चल रहा है। स्वर्ग में कितने देवता हैं, ये जितने देवता हैं ये सब इंद्र के ही अधीन हैं, इंद्र के ही अंदर में आते हैं, और फिर इंद्र के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान श्री हमारे नंद के लाला बैठे। तो ब्रज भूमि में रह करके, ब्रज भूमि में आकर के प्रेम सीखने के बजाय अहंकार सीखना ये अच्छी बात नहीं। तो कन्हैया ने बाबा को समझाया, बोले बाबा तुम ये इंद्र की पूजा क्यों करते हो, कभी इंद्र को आपने देखा अपने जीवन में? तो बाबा ने कही लाला हमने कभी देखे हो फेंके हो तो ना, पर ऐसी कछु परंपरा सी चली आ रही है, तो हमारे बुजुर्ग हमारे पुरखे भी करते थे, तो वो करते करते चले गए और वही परंपराएं फिर हम निभा रहे आगे। बोले तुमने देखा तो नहीं, किसी बाबा ने, दादा ने, परदादा ने कभी देखा? बोले हमन तो कभी ऐसी कोई सुनी ना। बोले तो देखोगे कहाँ थे? अरे कोई देवता होएगो जबई तो आवेगो। बोले कहने का मतलब क्या है? बोले बाबा कहने का मतलब तो सीधा सीधा है कि इंद्र फिंद्र नाम का कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। भगवान होता तो आता नहीं। तुम इतनी गाड़ी भर करके 56 प्रकार के व्यंजन ले जाते हो, इतने भोग ले जाते हो, यदि इंद्र नाम का कोई भगवान होता तो आता नहीं खाने के लिए, ऐसे ही भोग लगा करके आपस में ही खा करके चले आते हो। क्या कभी दर्शन दिए उसने? अरे क्या फायदा है उसके लिए इतनी पूजा करना, इतना पाठ करना, इतना नुकसान करना, क्या फायदा है? अरे लाला तो नाय पतो इंद्र भगवान की कृपा से बरसा होए, और बरसा होए तो हरी भरी घास होए, और जब हरी भरी घास होए तो हमारी गैया जो है घास चरे, और जब घास चर के गैया हष्ट पुष्ट है जाए तो बढ़िया दूध दे, और वह दूध को बेच करके, हम सब ग्वारिया लोग तो हैं ही, वह दूध को बेच करके बाजार में पैसा कमावें, और वह पैसा से फिर अपने घर परिवार चलावें। तो लाला जामे अहम भूमिका हमारे भगवान की है, अगर बरसान होएगी तो घास नहीं होएगी, घास नहीं होगी तो गैया दूध कहाँ दे देंगी, और दूध नहीं होएगा तो फिर हमारा घर बार कैसे चलेगा, इसलिए हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो नंद बाबा को समझाया, बोले नहीं बाबा
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कर्मन्ने वाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। बाबा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कोहून काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो बाबा संसार में कोई कावे कछूनाएं दें तो ही सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं, अपने अपने कर्म का जी रहे हैं। कोई संसार में किसी का कुछ नहीं करता है। ये तो आपकी गलत फहमी है कि कोई इंद्र भगवान तुम्हारा जीवन चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले लाला तू कहवो कहा चावे, सीधी सीधी बात बता। तो बोले सीधी सीधी बात तो यही है बाबा कि यदि कली काल में कोई भगवान है जिसकी पूजा हम सबको करनी चाहिए तो वो एकमात्र श्री गिरिराज महाराज हैं, श्री गिरिराज धरण हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। तो श्री गिरिराज महाराज की पूजा करो बाबा। श्री गिरिराज महाराज की पूजा करने से तुम्हारे यहाँ आनंद होगा। प्रेम से बोलो राधे। तो श्री गिरिराज महाराज को भगवान बताया लाला ने। बोले बाबा आप हमारे साथ श्री गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए चलो, हम आपको लेकर के चलते हैं। तो बाबा ने कही लाला यदि तेरे गिरिराज महाराज को भगवान मान करके हम पूजने लगे और हमारा भगवान पुराना इंद्र यदि हमसे रूठ गया, नाराज हो गया, कोई संकट आ गया, कोई अनिष्ट हो गया, तो तू जिम्मेदारी ले रहा है, तू गारंटी ले रहा है कि तेरा भगवान और तू हमारी रक्षा करेंगे। तो लाला ने कही बाबा चिंता करवे की नहीं, कहू जरूरत ना है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे और तुम तैयारी करो हमारे गिरिराज महाराज का पूजन करने की। तो देखो आज श्री गिरिराज महाराज हमारे सामने विराजमान हैं, जितनी भी माता बहन भाई बंधु बैठे हैं बड़ी शांति के साथ में हमारे लाला के साथ में। हम तो भजन गाएंगे और आप सब लोग अपना श्री गिरिराज महाराज के चरणों में अपना तिलक करें, पूजन करें और जिसको जो भेंट इत्यादि चढ़ानी हो वो श्री गिरिराज महाराज पे चढ़ाएं। श्री गिरिराज महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो श्री गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए नंद बाबा और देखो ग्वाल वाल सब तैयार है गए। अब लाला के जो यार हैं, लाला के साथ के जो बालक हैं वो सब लाला के साथ तैयार हो गए और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े इंतजाम किए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए और ब्रजवासिन जितनी ब्रजांगनाएं हैं उन्होंने 84 गज गज के लहंगा पहने, सारे ब्रजवासी सुंदर स्वरूप बना करके श्री गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। तो कई पति ऐसे भी होते हैं ना अपनी पत्नियों को घर से निकलने ही नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान वाले रास्ते में भी विश्वास का सौदा है और हमारे जीवन में भी विश्वास का सौदा। यदि विश्वास है तो सब कुछ है, भगवान भी हैं और संसार भी है, और यदि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो देखो आज ये हेलोजन लाइट का थोड़ा ध्यान रखना, आराम आराम से आकर के और पूजन करो और खूब जिनको झूमना है अपनी अपनी जगह झूमो आराम से। तो देखो चलो हमारे कन्हैया के साथ में आप रहने दो, बच्चे कर देंगे।